हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे समास, और समास हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। और समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, ट्रिक से याद किया था। समास दादा के कब तक चल भाई, ट्रिक था। और तत्पुरुष समास हम लोगों ने पढ़ लिया था। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो वैसा समास जिसका अंतिम पद प्रधान होता है उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि किताब घर में जो है घर प्रधान है कि नहीं, यानी लास्ट वाला पद जो है प्रधान है। अब घर रहबे नहीं करेगा तो किताब घर कैसे हो सकता है कि नहीं। तो लास्ट वाला जिसका पद प्रधान होता है उसे ही हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। और जो पांच बच गए थे उन्हीं को जो है आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, और ऐसे एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आपके माइंड में ये छपने वाला है, ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। इससे पहले हम आपको एक बात बता दें कि जो लोग इस टॉपिक्स को देख रहे हैं तो इससे पहले वाले भी टॉपिक्स को जो है आप एक बार देखिए। अगर आप नए जुड़े हैं तो आप देखिए, तभी जो है ये टॉपिक्स आपको समझ में आएंगे। और अगर इनसे रिलेटेड नोट्स चाहिए आपको तो क्या करना होगा, जो पुराने जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को तो पता है क्या करना होता है। एक नंबर है 9608339424, ये जो है व्हाट्सएप नंबर है, और यही जो है गूगल पे नंबर भी है। अब बोलिएगा कि सर ये गूगल पे नंबर हम लोगों को क्यों दिया जा रहा है। गूगल पे नंबर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपको सनी सर पढ़ाते हैं फ्री में, कोई भी क्लास पढ़ाते हैं फ्री में, इंग्लिश हो, हिंदी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपका सब्जेक्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर उस सब्जेक्ट से आपको नोट्स चाहिए उसके लिए जो है आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा, और एक सब्जेक्ट के लिए जो है 51 रुपये पे करना होगा, 51 रुपये, 51 रुपीज़ पूरे एक साल के लिए, 51 रुपये नोट्स के लिए। मान के चलिए कि आप हिंदी के एक ग्रुप से जुड़ते हैं, उस ग्रुप का नाम है व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका नाम है 2023 टॉपर बैच हिंदी। जो इंग्लिश के जुड़ेंगे उनका नाम है 2023 टॉपर बैच इंग्लिश, ऐसे ही सब सब्जेक्ट का है, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट का 51 रुपया है, एक सब्जेक्ट का 51 रुपया, 51 रुपया में पूरे साल भर आपको एक सब्जेक्ट से, हिंदी से जुड़े तो हिंदी के ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, जितना इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट के लिए जो है सुविधा है। तो आप लोग इंटरेस्टेड हैं तभी जुड़िएगा, आपको लगेगा कि आपको फायदा है तभी जुड़िएगा, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, काहे कि 51 रुपया जो है आप लोग तो एक बार में कहीं पे खा जाते होंगे, है कि नहीं, जूस पिए जाते होंगे तो 51 रुपये एक बार में ख़त्म। लेकिन चलिए छोड़िए अभी सब बात, हम बात कर रहे हैं समाज की, कर्मधारय समाज किसे कहते हैं। कर्मधारय समाज, यह समास रचना की दृष्टि से तत्पुरुष है। देखिए हम यहाँ पे बोले कि यह समास जो है रचना की दृष्टि से तत्पुरुष है, यानी कि यह इसको जो है हम लोग तत्पुरुष समास भी बोल सकते हैं कर्मधारय समास को, क्योंकि इसमें भी अंतिम पद जो होता है प्रधान होता है, अंतिम यानी लास्ट वाला पद जो है प्रधान होता है। लेकिन इसमें प्रथम पद विशेषण और अंतिम पद जो है विशेष से होता है, प्रथम पद विशेषण और अंतिम पद जो है विशेष होता है। अब कोई पूछेगा कि विशेषण किसे कहते हैं, तो पिछला वीडियो इसका मतलब आप नहीं देखे होंगे, विशेषण पे एगो वीडियो ही बनाया गया है जिसमें विशेषण क्या है, कितने भेद हैं, किसे कहते हैं, सब बताया गया है। फिर भी जो है आप लोगों को बता देते हैं विशेषण क्या है। किसी चीज़ के बारे में जो विशेषता बतलाता है उसी को विशेषण कहते हैं। जैसे कि सनी सर काला है, तो विशेषता का है काला हो गया, ठीक है, तो ये जो है विशेषण हो गया। उसी प्रकार जिसके बारे में बताया जाता है वो विशेष कहलाता है। जैसे किसके बारे में हम बताएं कि काला है, सनी सर के बारे में, तो सनी सर विशेष हो गए और इनका जो है विशेषता का है तो काला है, ठीक है। ये जो है अपने पे कोई भी चीज़ को लीजिएगा तो वो जल्दी समझ में आता है, इसीलिए हम अपने पे एग्जाम्पल लिए हैं, आप लोग पे लेते तो आप लोग नाराज़ हो जाते हैं, है कि नहीं। तब देखिए तो कर्मधारय समास,
वैसा पद जिसका अंतिम पद प्रधान होता है लेकिन प्रथम पद विशेषण और अंतिम पद विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिसका अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? ऐसे भी कह सकते हैं कर्मधारय समास जिसका प्रथम पद विशेषण और अंतिम पद विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे वीर बाला, तो वीर बाला में वीर जोर बाला। अब वीर किसको कहा जा रहा है? बाला जो है वीर है, तो वीर जो है विशेषता दर्शाया जा रहा है, यानी विशेषण हो गया वीर, और बाला जिसके बारे में कहा जा रहा है उसका नाम है बाला, तो बाला विशेष हो गया, यानी कि वीर है जो बाला, बाला जो है का है वीर है, तो वीर विशेषण। हम कहें कि पहला पद विशेषण होना चाहिए और अंतिम पद जो है विशेष होना चाहिए, तो वीर जो है विशेषण है कि नहीं? बाला के बारे में बता रहा है कि बाला जो है वीर है, यानी विशेषण हो गया, और विशेष से बाला हो गया, यानी जिसके बारे में बताया जाता है वो विशेष होता है। समझ गए? उसी प्रकार नील कमल, तो नील कमल यानी कमल है तो कैसा कलर है? नीला है, यानी उसका विशेषता है नीला, और क्या चीज है? तो कमल है। किसके बारे में बताया जाता है? कमल के बारे में, तो कमल जो है विशेष हो गया। तो वही हम बताए हैं कर्मधारय समास किसे कहते हैं। आपसे पूछेगा ऐसे कि बताइए नील कमल जो है कौन सा समास है, तो आपको बताना होगा कि कौन सा वो समास है। ऑप्शन में चार गो समास दिया रहेगा, आपको बताना है। तो हमें पता तो रहे कि नील कमल है क्या, तो नील कमल में जो है प्रथम पद विशेष है, अंतिम पद विशेष है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है क्या है? कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास, वैसा समास जिसका प्रथम पद विशेषण और अंतिम पद विशेष होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? तो किसके, किसी की विशेषता जो होती है। जैसे हम एग्जांपल लिए थे कि शनिश्चर काला है, काला जो है इनकी विशेषताएं हैं, और किसके बारे में? शनिश्चर के बारे में, यानी शनिश्चर विशेष हैं। सिंपल सी भाषा में आपको बताएं। अब बात करते हैं द्विगु समास की। द्विगु समास किसे कहते हैं? तो यह समास भी है रचना की दृष्टि से तत्पुरुषे होता है, क्योंकि इसमें भी जो है दूसरा पद ही प्रधान होता है, यानी अंतिम पद ही प्रधान होता है, लेकिन एकर प्रथम पद जो है संख्यावाचक विशेषण होता है। बस इतने अंतर है। आपसे पूछे कि तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास में अंतर बताइए। तो तत्पुरुष समास के अंतिम पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास के अंतिम पद प्रधान होता है लेकिन प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, द्विगु समास का अंतिम पद प्रधान होता है लेकिन प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषता बताता है लेकिन संख्या के रूप में। एग्जांपल से देखिए, समझते हैं। जैसे कि चौराहा, चौराहा जो है, अब एकरा चौराहा किसको कहते हैं? चार गो राह होता है उसी को चौराहा कहते हैं। चार गो, तो चार का है संख्या है, अब राह के का विशेषता है कि वो चार गो राह वाला है, तो चार गो राह वाला विशेषता हुआ, तो चार संख्या हुआ, तो चार संख्यावाचक विशेषण हुआ, है कि नहीं? तो देखिए चार राह अलग अलग करेंगे तो चार राहों का समाहार को ही हम लोग बोलते हैं चौराहा। तो प्रथम पद जो है देखिए संख्यावाचक विशेषण आया कि चार गो है, चार संख्या है कि नहीं? तो जेकर संख्या, यानी कि जेकर प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है ओकरे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। कितना सिंपल है कि नहीं? जैसे कि मान के चलिए आपसे पूछा सतमी, अठमी, नौमी, दसमी, सब का होगा संख्यावाचक विशेषण होगा, पहले जो है संख्या आ रहा है। एक बार देखिए त्रिकोणीय, तीन कोण वाला को जो है त्रिकोणीय कहते हैं, तीन का है संख्या है, आ के गो विशेषता तीन बता रहा है कि तीन गो कोण जेकर होता है ओकरे त्रिकोणीय कहते हैं। तो तीन विशेषता संख्यावाचक विशेषण बता रहा है। आप लोग हमें आशा है कि समझ रहे हैं, समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में यस तनी लिख दीजिएगा, है कि नहीं? तो जेकर प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है ओकरे द्विगु समास कहते हैं। अगर द्विगु समास पहचानने के लिए कहेगा एक से लेकर दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस संख्या आ गया, तो समझिए कि वो द्विगु समास है। समझ गए? और कर्मधारय समास पहचाने लग कह दिया तब विशेषण आ गया, जैसे कि रंग के नाम आ गया, उसके बाद मोटा पतला आ गया, तो ये सब जो है कर्मधारय समास होगा। और प्रथम तत्पुरुष समास किसे कहेंगे? तो तत्पुरुष समास जेकर उत्तर पद प्रधान होगा, यानी बाद वाला पद मेन होगा, ओकरे तत्पुरुष समास कहेंगे। ये सब पहचाने के तरीका है। अब आइए बहुव्रीही समास किसे कहते हैं। बहुव्रीही समास वैसा समास जिसका
जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे बहुव्रीही समास कहते हैं। ओ घड़ी से हमने के का पढ़ रहे हैं, तत्पुरुष समास जेकर अंतिम पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास जेकर अंतिम पद प्रधान होता है, प्रथम पद विशेषण और अंतिम पद विशेष होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं, द्विगु समास जेकर प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है और अंतिम पद प्रधान होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। आई बहुव्रीही समास है जेकरा में कौनो पद प्रधान नहीं होता है ओकरे बहुव्रीही समास कहते हैं। देखिए वैसा समास जेकरा में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे बहुव्रीही समास कहते हैं। जैसे बिना पानी, बिना जोर पानी, इनमें कोई भी है प्रधान नहीं है, है कि नहीं। बिना मतलब बचावे वाला होता है, देखे होंगे सरस्वती जी के हाथ में होता है, पानी मीन्स हाथ होता है, तो बिना पानी दोनों जो है अपने आप में प्रधान है, इसका मतलब होता है बिना पानी का सरस्वती। यानी देखिए बिना अपानी ये दोनों से ही सरस्वती बनल है, यानी दोनों में प्रधान दोनों कोई एकर मतलब नहीं है। बिना पानी का सीधा मतलब होता है सरस्वती, यानी दोनों प्रधान हैले नहीं है। देखिए त्रिलोचन, त्रिजोर लोचन, लोचन मीन्स आँख होता है, त्रि मीन्स तीन, जेकर तीन गो आँख होता है, तो ये दोनों के मिला के का बनल है शिव, यानी नहीं त्रिये है नहीं लोचने है, यानी कि दोनों के कोई वैल्यू नहीं है, दोनों में से कोई प्रधान नहीं है, सीधा शिव लिखा गया है। यानी बहुव्रीही समास जेकर कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे बहुव्रीही समास कहते हैं। आइए वाव बताते हैं, अव्ययभी भाव समास किसे कहते हैं। अव्ययभी भाव समास वैसा समास जिसका पूर्व पद प्रधान होता है तथा दूसरा पद अव्यय होता है उसे अव्ययभी भाव समास कहते हैं। नहीं समझे होंगे, समझाते हैं। अव्ययभी भाव समास जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, ओ घड़ी से हमने के उत्तर पद लास्ट वाला पद खाली प्रधान कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पांचवा में आइएगा अव्ययभी भाव समास में, तो अव्ययभी भाव समास जेकर प्रथम पद प्रधान होता है और अंतिम पद अव्यय होता है। अब आपके मन में प्रश्न है कि अव्यय मतलब क्या होता है सर, तो अव्यय वैसे शब्दों को कहते हैं जो किसी लिंग वचन के अनुसार रूप अपना परिवर्तन नहीं करता है उसे अव्यय कहते हैं। समझ गए, अव्यय, अव्यय मतलब कि कोई भी कैसनो लिंग रहे वचन रहे ओकरा अनुसार अपन रूप के परिवर्तन नहीं करेगा। जैसे मान के चलिए भर पेट, भर पेट में जो है भर जो है प्रधान पद है कि नहीं, और पेट इसके अनुसार भर जो है परिवर्तन होगा नहीं होगा, भर जो है भर परिवर्तन हो ही नहीं सकता है, लिंग के अनुसार वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं होगा, उसी को हम लोग कहते हैं अव्ययभी भाव समास। यानी वैसा समास जिसका प्रथम पद प्रधान हो और अंतिम पद अव्यय हो उसे अव्ययभी भाव समास कहते हैं। जैसे भर पेट, तो भर पेट जो है भर कभी भी नहीं बदलेगा पेट के अनुसार, पेट भर कर, है कि नहीं। अब देखिए बेकाम, बेकाम यानी बिना जोर काम, बिना जोर काम, बिना काम वाला, बिना काम वाला को ही हम लोग बोलते हैं बेकाम, बेकाम आदमी बोलते हैं नहीं, यानी जिसके पास काम नहीं है। तो इसमें जो है प्रथम पद जो है क्या होता है प्रधान होता है, बिना जो है प्रधान है, अगर बिना को हटा दिया जाए तो काम जो है काम का होगा अव्यय होगा, इसके अनुसार जो है कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, अव्यय उसी को कहते हैं। अब हम लोग आगे जानेंगे अव्ययभी भाव समास को कैसे हम लोग पहचानेंगे, तो अव्ययभी भाव समास पहचानने का तरीका है कि ओकर प्रथम पद जो है प्रधान होना चाहिए, ठीक है। अब द्वंद्व समास, द्वंद्व समास बड़ी आसान है। द्वंद्व समास देखिए इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद मतलब कि दोनों समास जेकर दोनों पद जो है प्रधान होता है, उत्तर पद प्रथम पद दोनों प्रधान होता है। देखिए पहचाने के तरीका, परिभाषा याद करे के भी तरीका, द्वंद मतलब दोनों पद, दू गो द आ रहा है तो दोनों पद जेकर प्रधान होगा ओकरा कहेंगे द्वंद समास। अब ओकरा बाद देखिए अव्ययभी भाव समास जेकर प्रथम पद प्रधान होगा और उत्तर पद जो है अव्यय होगा उसे अव्ययभी भाव समास कहते हैं। बहुव्रीही समास जेकर कौनो पद प्रधान नहीं होता है ओकर बहुव्रीही समास, और बाकी जो ऊपर वाला तीन गो है ओकर उत्तर पद प्रधान होता है कि नहीं। लेकिन अंतर है, तत्पुरुष का उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय का उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन प्रथम पद का होता है विशेषण होता है कि नहीं। और तीसरा
तीसरा हम बोले हैं द्विगु समास, एकर उत्तर पद प्रधान होता है लेकिन अंतिम पद का होता है तो संख्यावाचक विशेषण होता है कि नहीं। अब देखिए द्वंद्व समास जेकर दोनों पद प्रधान होता है और दोनों शब्दों के बीच और अथवा एवं या जैसे योजक चिन्हों से गुजरने वाले समस्त पद को द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं दो शब्दों के बीच और अथवा एवं या जैसे चिन्हों के गायब हो जाने से जुड़ने वाले समस्त पद को द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता और पिता में से और हट जाता है कि नहीं, हम लोग बोलते हैं माता पिता का हो गया, द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, भाई और बहन तो इसमें से और गायब हुआ कि नहीं, तो भाई बहन कहलाता है। जिसमें से और या अथवा एवं बीच में से गायब हो जाता है और एगो नया शब्द बनता है ओकरे कहते हैं हम लोग द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जेकर दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है, मौसा और मौसी तो और एवं और ये सब हट जाता है तो का कहलाता है, वह जो है द्वंद्व समास कहलाता है। समास से रिलेटेड आपके टॉपिक्स जो हैं ख़त्म हो गए। पिछला वीडियो भी में भी जो है हमने समास से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो भी था वो बताए थे और इसमें भी जो है समास हमने बता दिया। समास से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं तो एगो एग्जांपल आपको दिया रहेगा, सपोज डैट बिना पानी दिया हुआ है, आपको बताना है ये कौन सा समास है। ठीक है, आपके ऐसे ही क्वेश्चन समास से रिलेटेड पूछे जाएंगे, जैसे नीलकमल दिया हुआ है आपसे पूछेगा कि ये कौन सा समास है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशन करना है, कहाँ से करना है। क्वेश्चंस बैंक आपके पास है, नहीं है तो क्वेश्चंस खरीदिए और अभी से जो है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी जो भी हम पढ़ाएं उस टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन बैंक में से ढूंढिए और उसको बनाइए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा जो है आप अपने सब्जेक्ट में स्ट्रांग होंगे और हो सकता है कि 2023 का टॉपर जो है आप ही में से कोई हो। तो मेहनत करेंगे तभी हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। ठीक है, तब आप वीडियो देखे हैं तो इसको जो है आपका काम है सबसे पहला कि इसे शेयर करना। ठीक है, उसके बाद शेयर करने के बाद जो है इसको ध्यानपूर्वक एक बार और देखना, जिससे जो है आपके दिमाग में पूरा जो है ये फिट हो जाए। और उसके बाद आप वीडियो देखे हैं तो मेरे तरफ से देखने के लिए धन्यवाद।